ज़िंदगी जब कभी रुकी हुई सी नज़र आने लगे ना, तो पास के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर जाइए और गाड़ी पकड़ कर निकल जाइए एक नए सफ़र की तरफ। और सेम रूटीन फॉलो कर करके अभी हमें भी अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी ठहरी हुई सी लग रही थी, इसलिए हम भी निकल गए ट्रेन पकड़ कर अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और इस बार हम जा रहे हैं ऋषिकेश कनाताल धनौल्टी। ऋषिकेश गए और गंगा आरती ना देखी तो आपका सफ़र अधूरा है, तो इसलिए तपोवन की गलियों से घूमते हुए हम पहुंचे अपने कॉटेजेस की तरफ। और एक कॉटेजेस का एम्बियंस बहुत ही प्यारा था और ये लक्ष्मण झूला के पास ही है। थोड़ी सी शाम होने पर हम निकले राम झूला देखने और गंगा आरती देखने, और आज की गंगा आरती देखी हमने परमार्थ निकेतन में। ये आपको बहुत से फॉरनर्स गंगा आरती का आनंद उठाते दिख जाएंगे। उसके बाद लगी थी भूख तो हमने लिटिल बुद्धा कैफे जाने का प्लान बनाया और हम निकल गए लिटिल बुद्धा कैफे की तरफ। और ये कैफे ऋषिकेश के वन ऑफ द फेमस कैफेज में से है, और यहाँ भी आपको बहुत से फॉरनर्स यहाँ का फूड एम्बियंस और गंगा रिवर का व्यू एंजॉय करते मिल जाएंगे। हमने भी अपना खाना एंजॉय किया और चल दिया वापस अपने रूम की तरफ, क्योंकि कल हमें निकलना है कनाताल। आइएगा जरूर।